मीन्स मैं आ चुकी हूँ मेरा किचन में और मुझे अभी बनाना है लंच। सुबह थोड़ा सा खेल रहा है, उसका स्टडी आधा हुआ है बट वो थक गया तो बोल रहा है मम्मा मैं थोड़ा सा खेलू। वो सोने के लिए बोल रहा था, अभी टाइम नहीं है सोने के लिए, खाने के बाद ही वो सोएगा। सो मैं बोली कि आप थोड़ा सा खेलो और मैं कुकिंग करके आती हूँ। लंच में आज मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और वो सुबह का फेवरेट है। आपको पता है सुबह को फेवरेट क्या है? नॉनवेज है। और आज मैं बना रही हूँ एग करी, वो अलग तरह से ही बनेगा। एग करी, यहाँ पे मेरा डाल है जो सीटी दे रहा है, सीटी नहीं लगाया, लगेगा, आ गया। सो एग करी मैं अलग तरह से ही बनाऊंगी, वो है स्टीम एग करी। एग को मैं पहले स्टीम करूंगी, चलिए पहले एग को स्टीम कर लेते हैं, उसके बाद ही बताती हूँ कैसे होते हैं। इसका और दो सीटी आ जाए उसके बाद इसको बंद करूंगी। सो स्टीम एग बनाने के लिए मैं ऐसे वाला टिफिन लिया है, तो इसमें मैं एग को फोड़ूंगी। मैं यहाँ पे 3 एग लूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 3 एग, इसको मैंने फोल्ड कर डाला है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, एक में आप जितना नमक चाहिए उतना ही डालोगे आपके टेस्ट के हिसाब से, और ब्लैक पेपर पाउडर, और मैं यहाँ पे डालूंगी टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा। ये तीनों को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मैं इसको फेंट लूंगी। ये मैंने ऐसा फेंट लिया है और इसका एक कवर लगा दूंगी, इतना कवर मैं डाल करूंगी। मैंने पानी लिया है गर्म करने के लिए, गैस को हाई फ्लेम में रखूंगी, पानी को गर्म करना है और टिफिन को एकदम से सीधा से बीच में डालूंगी। ये हो गया, इसके बाद मैं इसका लिड लगा दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। अभी 15 मिनट हो चुका है तो मैं गैस को बंद किया और ये अभी गर्म है तो मैं इसको पहले बाहर ला के रखूंगी ठंडा होने के लिए। मैं वो बोली थी ना घर पे नॉनवेज आया ही नहीं। अरे बस कर, गरम है बच्चा। इसको मैं पहले डिमोल्ड करती हूँ, ऐसे इसको अच्छे से कर लेंगे।
मैं एक्चुअली भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ही ये अच्छे से निकलेगा, बट भूल गई। इसको आप डिमोल्ड करने से पहले बर्तन को पहले ऑयल से ग्रीस करना है। मैं जो भूल गई हूँ, ये मेरा सारा चिपक गया। बर्तन को पहले ऑयल से ग्रीस करने से ये आराम से निकल जाएगा। अब इसको ऐसे और पीस करके आप पनीर के जैसे निकाल सकते हैं। ये देखो ऐसे लग जाते हैं चारों, बट आप ऐसे ऑयल लगा दोगे तो ये नहीं लगेगा। ये अभी सुबह का बन, ये सारा सुबह खा लेगा। सुबह को ये वाला और ये वाला। चलो आप यहाँ पे भागो। हाँ तो ये कुछ ऐसा ही है, कट पीस निकाल दिया आपने। सॉरी, बट आप बर्तन को ग्रीस करके ही इसको स्टीम कर ले डालोगे, नहीं तो ये ऐसे ही हो जाता है, जो मैं भूल गई। और यहाँ पे मैंने कट भी कर लिया है ऑनियन, टमाटो और ग्रीन चिली। अभी हम बनाएंगे करी। चलिए करी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं अभी डालूंगी 1 स्पून ऑयल। ये सारे एग को मैं अभी शैलो फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा। बनाऊंगी मेरा करी। यहाँ पे मैं दूंगी 1 से 2 स्पून ऑयल। ऑयल हीट होने के बाद इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, बस थोड़ा सा हींग, पत्ता, करी लीव्स। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और ऑनियन को एक साथ ही डालूंगी। ग्रीन चिली चटकता है तो मजेदार लगता है। ऑनियन को मैं थोड़ा सा चॉप करूंगी। कलर आ गया इसका। कलर चेंज हो चुका है तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से भून लूंगी। यहाँ पे लिया है 1.5 टमाटो मीडियम साइज का, 1/2। इसी स्टेज में मैं ऐड करूंगी टर्मरिक कोरिएंडर पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जीरा पाउडर। सबको अच्छे से मिलाऊंगी। मैं यहाँ पे रेड चिली नहीं लिया है, मैं ग्रीन चिली डाला हुआ है। सॉल्ट एज पर टेस्ट। नमक
मसाला पकने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा पानी। मैं इसको एक मिनट के लिए ढक लूंगी। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे एक मिनट के बाद। मेरा मसाला पक चुका है तो मैं इसमें ऐड करूंगी मेरा एग्स। इसको अच्छे से मिलाएंगे मसाले के साथ जैसे इसके अंदर एक मसाला चला जाए। इसको हम ऐसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले के साथ। उसके बाद इसमें आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डाल के बॉइल कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के एक दो बॉयल लाएंगे। ये मैंने हाफ कप ही पानी डाला है, मुझे ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। इसमें बॉईल आ चुका है। ये एग भी अच्छे से फूल गया है। मैं इसको और थोड़ा सा ठीक बनाऊंगी तो और एक बार। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स, मिक्स करेंगे। ये हमारा फ्लॉपी भी हो चुका है एग, और इसके अंदर अच्छे से मसाला भी चला गया है, आप देख सकते हैं। मेरा मसाला भी अभी ठीक हो चुका है। अभी मैं इसका प्लेटिंग करूंगी। तो ये है इसका प्लेटिंग। आई होप आपको अच्छे लगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा लंच का रेसिपी जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। चलिए मैं पहले सुबह को खिला देती हूँ, वो रुकेगा नहीं। वो अब फिर से बोल रहे हैं मम्मा चलो चलो, चलिए उसको खिला देते हैं। इसके बाद मुझे करना है बहुत सारा काम और ये ब्लॉग को भी एंड करना है। तो चलिए हंगड़ी बोलो क्या है यार। ये है सुबह का एग, एग करी। एग मैं खा दिया एग। फिर से ये इतना ऐसा खुश हो जाता है ना, मेरा पेट तो भर जाता है। आज
सुबह अभी सोया है तो फैन का आवाज आ रहा है। सुबह बहुत ही कम खुश होता है जब भी घर पे नॉनवेज आता है या उसके पसंद का कुछ बनता है तो वो खुश होता है, तो उसके खुशी से ही मुझे खुशी मिलता है। और वो रेयर ही घर पे रहता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ अच्छा सा खिला दूँ जो वो खुश होके खाए और खुश हो जाए। वही था आज जो मैंने बनाया एक करी, वो बहुत टाइम के बाद ही बनाया, आई थिंक 1 साल हो गया उसको बनाते हुए, 1 साल से ज़्यादा होएगा मैं उसको बनाया नहीं। सुबह का तबीयत तो 1 साल हो गया ख़राब चल रहा है, तो एग ही लाना मैं घर पे बंद कर लिया था। उसके बाद तो एग कभी कभार लेके आती हूँ, और फिर भी कभी कभी तो देना चाहिए, नहीं तो वो बोलते हैं ना एक चीज़ ऐसे हट जाएगा उसके लाइफ से। नहीं, उसका तबीयत क्यों ख़राब है मुझे नहीं पता, अभी तक भी पता नहीं चल रहा है मुझे, बीच बीच में फिर से आ जाते हैं, देखते हैं कितना टाइम तक लगता है। जो ये कलर का कुछ डिफरेंस हो रहा है तो आई थिंक कुछ तो हो रहा है, कभी येलो हो जाता है तो कभी वाइट हो जाता है। मैंने आज आपके साथ शेयर किया एक करी का रेसिपी, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कैसा लगा, वह कैसा था, कैसा लगा तो नहीं पूछ सकती क्योंकि मैंने खा लिया, बहुत ही अच्छा बनता है वो, आप एक बार ज़रूर बनाएं, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और सुबह तो ऐसे स्टीम खा लेता है और चलिए, और मुझे ये ब्लॉग को भी एंड करना पड़ेगा, और आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।